केवल उसका केवल दर्शन है। केवल दर्शन। कारकोट नाग महादेव को देख रहा है, शिवलिंग को देख रहा है, केवल दर्शन। पुष्टि मार्ग में, वैष्णव धर्म में पांच दर्शन होते हैं। कितने दर्शन होते हैं? पांच। हम नाथ द्वारा के आटोयाम के दर्शन का मत वर्णन नहीं कर रहे, हम पुष्टि मार्ग वैष्णव धर्म के अंतर्गत पांच दर्शन का मतलब कर रहे हैं। पहला दर्शन भगवान के चरणों का, दूसरा दर्शन भगवान के नाभि कोश का, तीसरा दर्शन भगवान के वक्षस्थल का, चौथा दर्शन भगवान की शिखा का, पांचवा दर्शन भगवान के नयन का। ये हमारे वैष्णव धर्म के पांच दर्शन हैं, ये पुष्टि मार्ग के पांच दर्शन हैं। पहला दर्शन है भगवान के चरणों का दर्शन। जब हम भगवान राम जी के चरणों का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करते हैं, लाल जी के चरणों का दर्शन करते हैं, मेरे गोवर्धननाथ श्री जी बाबा के चरणों का दर्शन करते हैं, मेरे विश्वनाथ के चरणों का दर्शन करते हैं, तो हम बाबा से यही कहते हैं कि मेरे चित्त को, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को आपके चरणों में समा लेना। दूसरा दर्शन है नाभि कोश का। नाभि का दर्शन जब हम करते हैं, मेरे राम जी की नाभि का करा, ठाकुर जी की नाभि का करा, नारायण भगवान की नाभि का करा, भगवान की नाभि का, देवाधिदेव महादेव की नाभि का दर्शन करा, जब हम नाभि का दर्शन करते हैं तो देवाधिदेव महादेव से कहते हैं, भगवान से कहते हैं, राम जी से कहते हैं, ठाकुर जी से कहते हैं, हे प्रभु आपकी नाभि इतनी गहरी थी जिसमें ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक तप करते रहे और आपने ब्रह्मा जी को कमल के पुष्प के ऊपर बाहर निकाल दिया, उसी तरह यह भाव सागर बहुत गहरा है, हमको भी बाहर निकाल देना। यह नाभि का दर्शन कर रहा है, यह नाभि का दर्शन कर रहा है। तीसरा दर्शन है वक्षस्थल का दर्शन, भगवान के हृदय का दर्शन। भगवान के हृदय का दर्शन, ये तीसरा दर्शन। तृतीय दर्शन, ये तीसरा दर्शन। और भगवान के हृदय का जो दर्शन है, हम भगवान से, क्योंकि सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगत ये सब जब प्राण छोड़ते हैं, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई भगत, भगवान का अपना प्रिय भक्त जब प्राण छोड़ता है तो वो कहाँ जाता है? तो कहा, भगवान का प्रिय भक्त जब प्राण छोड़ता है तो भगवान के हृदय में जाकर बैठ जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता, जन्म नहीं होता। निब्बू ज्यादा आते हैं तो अपन अचार डाल लेते हैं, केरी ज्यादा आती है, निब्बू ज्यादा आते हैं तो अपन अचार डाल लेते हैं, केरी ज्यादा आती है तो अपन अचार डाल लेते हैं, आंवला ज्यादा आता है तो अपन मुरब्बा डाल लेते हैं, अचार डाल लेते हैं, मिर्ची अच्छी आ रही है तो अपन अचार डाल लेते हैं। अभी जिग्नेश भाई ने भी डाला हो, पूछ लेना वाले, जो अच्छा आया हमने उसका अचार डाल लिया, अचार डालकर हमने उसको किसी बर्तन में नहीं रखा, कांच की बरनी में रखा। जब भी कोई फिल्म बनाने वाला फिल्म बनाता है तो इसको जो हृदय होता है ना, उसको दिल को कांच का टुकड़ा कहता है, इसलिए लोग गाना गाते हैं ना, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता न टूटता न फूटता। मतलब ये हृदय कांच की बरनी है और इस कांच की बरनी में मेरे नारायण, मेरे राम, मेरे शिव अपने भक्तों को संजो कर रख लेते हैं, इस दिल में, इस हृदय में, ये बरनी में। भक्ति का, भगवान के हृदय का दर्शन मतलब सारे संतों का, साधुओं का, गुरुओं का, भक्तों का दर्शन अगर कहीं नहीं करने जा सकते, रोज
कुंभ के मेले में नहीं जा सकते, तुम रोज कहीं संत का दर्शन करने नहीं जा सकते, तो मेरे भगवान के हृदय का दर्शन कर लो, उसमें सारे संतों का दर्शन है। तीसरा दर्शन है ये चौथा दर्शन है भगवान की शिखा चोटी। नाथ द्वारा जाओ तो मेरे श्री जी बाबा की चोटी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाती हुई तुम्हें दर्शन होंगे। श्री नाथ जी का कोई फोटो हो उनका दर्शन करेंगे तो शिखा का दर्शन होगा। लड्डू गोपाल हो उनकी शिखा का दर्शन होता है। शिखा का दर्शन मतलब उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, कितने भी चढ़ जाओ, पर भगवान के चरणों को मत भूलना। ये चोटी का शिखा का। भारत के 10 लोग अमेरिका घूमने के लिए गए, उन्होंने एक होटल बुक कर ली, एंजॉय के हिसाब से गए थे घूमने पे, होटल बुक कर ली। होटल के मालिक ने कहा देखिए कमरा तो बुक कर लो परंतु रूम जो है वो 100 मंजिल ऊपर मिलेगा कि चलेगा, लिफ्ट लगी है, लिफ्ट दबाई 100 मंजिल ऊपर जाना आना, और उसमें दिक्कत क्या है, जाना आना चल। अब ये 10 लोग भारत के घूम रहे थे, 4-5 दिन घूमे, छठे दिन जब घूम कर आए होटल में आए, बटन दबाई, लाइट नहीं थी। मैनेजर से कहा हमारा कमरा 100 मंजिल ऊपर है, हम कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा सीढ़ियां लगी है, चढ़ जा 100 मंजिल ऊपर, हाँ इन सीढ़ियों से चढ़कर जाइए, कोई नीचे का रूम दे दो ना थोड़े समय के लिए, रात भर तो रुकना है, हमें कल वापिस जाना है। नहीं नहीं रूम तो नहीं है, आपको 100 मंजिल ऊपर जाना पड़ेगा। 10 व्यक्ति ने विचार करा कैसे चढ़ेंगे, कि चढ़ जाएंगे, अपन तो भारत के रहने वाले हैं, चढ़ने में पीछे कहाँ हटते, अपनी अपनी बात के ना बात करते करते तो अपन कोसों दूर चले जाते हैं। कहो एक व्यक्ति ने अपनी दुख भरी बात कही, 10 मंजिल ऊपर चढ़ गए। दूसरे ने दुख भरी बात कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने कही, 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 90 व्यक्ति ने कहा, 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 10वें व्यक्ति से कहा अब तू अपनी दुख भरी कथा कह, उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूँगा तो तुम सब रो पड़ोगे, ऐसी दुख भरी कथा तेरी कौन सी है, कुछ नहीं, कमरे की चाबी नीचे रह गई है, कमरे की चाबी। सबने जूता निकाला, जो धोने पड़े ना ऐसा धोया, पहले बोलते नहीं बना, मेरा नंबर नहीं आया था, अब नंबर के चक्कर में 90 मंजिल ऊपर पहुंच चुका है, अब क्या करें। तो फिर सबने कहा नीचे चलो, फिर नीचे आए, अच्छे से सुन लेना समझ लेना, कितना भी धन कमा लेना, कितना भी वैभव कमा लेना, कितनी भी सत्ता कमा लेना, बेकुंठ नहीं मिलेगा धन और दौलत से, परमात्मा के बेकुंठ धाम जाने की चाबी यीशु महापुराण की कथा है, ऊपर से फेंक दिया जाएगा, जा वापिस नीचे, चाबी ला फिर अंदर जा। और जिसको ये चाबी मिल गई वहीं पे खड़े होकर बोलना चालू कर दिया, श्री शिवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे ही बोला तो चित्रगुप्त महाराज ने कह दिया चाबी तुम्हारे पास में, अंदर चले जाओ, जाओ अंदर और बेकुंठ का दरवाजा खुल जाएगा, आप प्रवेश कर जाओगे। ये चाबी है शिव कथा, भगवान शंकर का नाम ये चाबी है, भगवान का भजन ये चाबी है, शिव तत्व ये चाबी है, शिव की कथा ये चाबी है। केवल कंजरी वालों, हालोल वालों या जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, केवल ये चाबी आपके पास में नहीं है, ये चाबी तो तुलसीदास जी के पास में भी थी, ये चाबी वेद व्यास जी के पास में भी थी। जितनी पुराण की रचना करी वेद व्यास जी ने, विष्णु पुराण लिखा, ब्रह्म पुराण लिखा, ब्रह्मवेत्ता पुराण लिखा, गर्ग संहिता, जितने भी पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, जितने पुराण वेदव्यास जी ने लिखे, सबसे पहले सारे पुराण में सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। वाल्मीकि बाबा ने वर्णन करा, सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। ऐसी कोई पुराण नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जिसमें शंकर जी का गुणगान नहीं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था
पहले ये चाबी का होना जरूरी है। जो शंकर का हो गया उसके लिए मार्ग खुल गया, जो शिव का हो गया उसके लिए मार्ग खुला। करो शिव का भजन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, वीडियो पर नए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव सबकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।